ओके देखो लेक्चर वन आज आपको पढ़े जे वन टू वन मेन मेन वन फंक्शन है सी टाइप रे पढ़े आम आज ओके ओके सो आम पढ़िया देखिए वन टू वन सर वन टू वन तो आम देखिए फंक्शन कमी फंक्शन कौन तापर देखिए तापर वन टू वन मेन वन जल्दी चलिए फंक्शन आज फंक्शन डेफिनेशन कह दर फंक्शन सेट ऑफ रूल व्हिच रिलेट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए गिवन सेट ए टू एनी एलिमेंट ए सर ये डेफिनेशन से जानते कि फंक्शन मैंने कौन तो मुझे धर ये सेट ए सेट ए मैंने किसी एलिमेंट वन टू थ्री फोर अच्छे तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री रखा आठ बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री रखा सेट ए टू सेट बी जो या भर फंक्शन हम तेने कौन फंक्शन इज रूल एंड करस्पंडिंग व्हिच रिलेट्स ईच एंड एव्री एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट तेने ईच एंड एव्री एलिमेंट रिलेटेड होते आउ गोटे सेट रच एंड एव्री एलिमेंट को ईच एंड एव्री नहीं ईच एंड एव्री एलिमेंट आउ गोटे सेट रिश्स को रिलेट होती है मैंने कौन रिलेट होती है मैंने कौन ताने धर फंक्शन आम सब फंक्शन तो लिखो एक्स स्क् प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव तो ये यहाँ कौन आम एमती कौन करुचे मैंने यहाँ डोमेन ताने ताने ओके जेनेल आम लिखु फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एति तो आम यहाँ को एमती कमी लिखे ये कौन है यहाँ यहाँ डिफरेंस ये कौन मैंने रिलेट कमी होती मैंने धर एफ ऑफ वन पकड़े तरह के वन प्लस थ्री प्लस फाइव के आठ बाला एफ ऑफ द्वारा माइनस वन पकड़े के वन माइनस थ्री प्लस फाइव के थ्री बाला एफ ऑफ जीरो पकड़े तरह के फाइव बाहर तामें कौन धर मुझे लिखी माइनस वन वन आ जीरो एट लिखी के माइनस वन के ओके ये लिखी आठ तीन पाँच है यहाँ सेट एट सेट बी माइनस वन के बाला तीन बाला तो माइनस वन तीन वन के बाला आठ बाला तो वन रु आठ जीरो के बाला पाँच बाला जीरो पाँच तो आम यहीटा मैंने कौन बुझुच तो मैंने फंक्शन में यहीटा अप्लाए कले यहाँ बाहर बुझिपड़ तो आम फंक्शन जो यहीटा कहू तो यहीटा मैंने कौन है यहाँ मैंने जो तू फंक्शन अल्फा वन पकेबू बीटा वन बाहर अल्फा टू पकड़े बीटा टू बाहर अल्फा थ्री पकड़े बीटा थ्री बाहर नॉर्मल जिन मैंने जनरल जिन सो फंक्शन केत जत्ते बेले लेफ्ट साइड रो मैं एटा कौन कौन एटा कौन थी डोमेन एटा कौन कौन थी एटा कौन थी को डोमेन रेंज में को डोमेन को डोमेन रेंज तो कौन डिफरेंस में कौच अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एटा बीटा वन बीटा टू बीटा मैंने किसी एलिमेंट अच्छे शहेटा तीन टाइम जितने एलिमेंट रहा ए टू बी जो या आरे भाई एटा बी या फंक्शन थोड़े कंडीशन कौन है कंडीशन है लेफ्ट साइड रो सबुजाक एलिमेंट यूज हो कौन कहली लेफ्ट साइड रे सबुजाक एलिमेंट यूज होना ना ऑल द एलिमेंट्स इन लेफ्ट साइड शुड बी यूज्ड फर्स्ट जिनस कौन है ऑल द एलिमेंट्स इन लेफ्ट साइड माने इन सेट ए माने इन डोमेन है शुड बी यूज्ड तमें कौन सब तीर बाहर थी फर्स्ट कथा फर्स्ट कंडीशन आसा सेकेंड कंडीशन कौन सेकेंड कंडीशन है सब एलिमेंट रु गोटे ही तीर बाहर लेफ्ट साइड रो ऑल लेफ्ट साइड एलिमेंट ना कह ओनली वन आरो फ्रॉम एवरी लेफ्ट साइड एलिमेंट यहाँ मन रखा है बेबड़े एमती एमती क्वेश्चन पड़ जाए तो ये अल्फा टू थी ये बीटा वन बीटा टू थी ए बी थी बेबड़े एमती क्वेश्चन थोड़े पड़े थे बोधे से देखा जे धर यहाँ एमती अच्छी आईटा अच्छी तो ये फंक्शन कि फंक्शन नुह है कि फंक्शन ए टू भी फंक्शन कि फंक्शन नुह देख दीज ए वन पर्सन ए टू यूज है ना तो कौन यहाँ फंक्शन हेनी सेमती आमती क्वेश्चन थोड़े पड़ते तुम कौचला तो जदि ए सेट्रे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर है जब बी सेट्रे बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर है तर एमती अच्छी यहाँ फंक्शन कि फंक्शन नहीं कहल ए बी क्यू फंक्शन फंक्शन यहाँ फंक्शन कौन पाई फंक्शन कहीं सबुति फास्ट है सब जिन यूज देखिए फास्ट सब जिन यूज लेफ्ट साइड है डोमेन सब जिन यूज हाँ सब यूज होती सेकेंड जिनस कौन सेकेंड जिस सबुति गोटे गोटे तीर पड़े गोटे पड़े से गोटे पड़े से गोटे पड़े फास्ट टेंशन जिन इतनी है मैंने यहाँ कौन हम फंक्शन हम ये गोटे कौन वैलिड फंक्शन यहाँ फंक्शन यहाँ जदि ना तो वैलिड फंक्शन फंक्शन नुह
सेम जो ना बा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एट बीटा वन एट बीटा टू एट बीटा थ्री है यहाँ कहले फंक्शन हम कि ना ये फंक्शन हेनी कहीं फंक्शन हम कहीं ना एक सब तो यूज होती कितु कौन गोटे रू दुटा तीर बाहर ताने कौन एफ अफ अल्फा थ्री पकेबू तो बीटा टू भी बाहर इज्कवाल टू बीटा थ्री भी बाहर ताने मुझे कह गए फंक्शन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर ताने तर मुझे एफ अफ फोर पकेबी आंसर कौन बाहर दरकार चार षोह चार बार षोह बार के अठाई चार बतीस बाहर दरकार दुईटा भैल्यू बाहर पार कि केवे बाहर पार जो भी मैथमेटिकल फंक्शन है तर सैन एक्स है ना कि तर टैन एक्स तर टैन अफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर जो भी फंक्शन है जो एक्स रैल्यू तर वन कि टू कि जहाँ जो गोटे भैल्यू पकड़े आंसर कौन गोटे भैल्यू बाहर सब दुईटा के बाहर पार कि नहीं बेसिक मैथमेटिक्स ल है गोटे पकड़े गोटे बाहर कितु ये कौन दूसरी अल्फा थ्री पकड़े कौन बाहर बीटा टू भी बाहर बीटा बीटा थ्री बाहर जोड़ा अब्जर्ड ना ना जोटा कि भी पसबल नुहे तो से फंक्शन नुए तो ये जिन मन रखा दरकार ना कि मेन है सबुत्र गोटे गोटे बाहर दरकार आउ सब जगह यूज होती है सब जगह यूज होता गोटे दुईटा बाहर कौन एटा फंक्शन नुहे सेमती धर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आउ बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री है यहाँ फंक्शन नहीं फंक्शन नहीं कहल एट फंक्शन नुह कहीं सब यूज है यहाँ रही जाए तो नर्माल जिस कौटा फंक्शन के फंक्शन जाने फास्ट अफ फंक्शन कहीं बेले बेले कौन से अन् टू से पचारे हुई अफ दिन कौन पचारे हुई अफ द फलोईंग हुई अफ द फलोईंग इज इज एन अन् टू फंक्शन धर यहाँ पचारे हुई अफ फलोईंग अन् टू फंक्शन तो किसी ए बी सी अप्सन थी है ए बी सी अप्सन थी ता भितर केते गुड़ा जिनस फंक्शन ही नी बुझ तो जी फंक्शन ही नहीं सी अन् टू फंक्शन हम कि जी फंक्शन नु सी आगे कटे जाए ऑप्शन ना अन् टू तो पचर आगे फंक्शन है तो अन् टू इन टू जहाँ भी हम तो ये सेत आमको यहाँ सुविधा आसे बुझे तो ओके तो ये बुझे आम से पढ़ले तो कौटा फंक्शन कि फंक्शन नहीं हाँ कि नहीं सेकेंड जिनस धर यहाँ है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री यहाँ है बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री यहाँ है एटा बी कल ए फंक्शन वैलिड कि वैलिड नहीं वैलिड फंक्शन कहीं सब थे गोटेटा बाहर सब यूज होने कि डाण पटे कौन बी थ्री टा यूज है हाँ ना डाण पटे कौन है बी थ्री टाइम बी वन बी टू ओके सो यहीटा को कौन कहुए यहीटा को कहुए रेंज पूरा कौन कह जाए पूरा जगह कहुए कोड रेंज आगे मुझे कहल सो रेंज सेट लगे मैं सेट सब सेट गुड है डोमेनटा डोमेनटा कौन सेट ना नहीं आम कौन लिखू धर जीरो टू इनफिनिटी तमें कौन सेट ना नहीं जीरो टू इनफिनिटी ओके सो रेंज लिखले कौन रेंज कौन कौन आसो बीटा वन आसो बीटा टू आसो को डोमेन कौन कौन आसो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री हाँ ओके तो रेंज आ को डोमेन डिफरेन्स कौन जानते रेंज जान ना तो रेंज मैंने कौन आम जो भैल्यू पकड़े जी भैल्यू दे सब जगह पकड़े जहाँ बाहर से रेंज ना किंतु जोटा अच्छी टोटल से डिफाइंड है मैंने धर फंक्शन के डिफाइंड है एफ आर टू आर है ना कि एफ आर प्लस टू आर आर माइनस एम तो डिफाइंड है ना डाण पटा कौन को डोमेन बाम पटा डोमेन को डोमेन कौन ये टोटल सेटा मैं तो रेंजटा या भितर रुझे ताने कह उदेश रेंजटा अलवेज सब सबसेट हम कौन हम को डोमेन हम ता मैंने या मैंने कौन बुझे ना ये चिन्हटा मैंने कौन ये प्रपर सब्जेक्ट यहाँ है सब्जेक्ट हाँ ता मैंने रेंजटा के कौ डोमेन टू अधिक हो फास्ट जिनस कौन हम रेंजटा के कौ डोमेन टू अधिक हो डोमेन टू अधिक कौन फंक्शन ही हेनी बुझ तो इंटू इंटू पर कथ सो रेंजटा सब सब्सेट अफ कौ डोमेन हाँ कि नहीं बिटा बिटा देख मैक्सीम कौन मैक्सीम तू धर ये एपटे नहीं मैक्सीम एपटे जो यहाँ एमती था तेल कौन हाँ ये न था तर फंक्शन होता है ये रेंज कौन लिखा था बी थ्री लिखाई था तो सब कहीं था रेंज स्कूल कौट मैंने था पूरा पूरा रेंज होता है हाँ ना कहीं सब जगह यूज हो रेंज इज्कवाल टू कौट मैंने था हाँ ना तो से कौन आम जानते रेंजटा सब सबसेट अफ कौट मैन ये बुझे ना रेंज आ कौट डिफरेन्स बुझे तो धर दे एफ आर टू आई धर दे गोटे फंक्शन सो यहाँ देखा मात्र तू कहीद कौ डोमेन के कौ डोमेन के आई पूरा सेट इंटीजर सेट रेंज के
रेंज हम एमती भाग कर रेंज में फंक्शन देवा पड़े एफ एफ एक्स इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर जहाँ भी देखिए रेंज भाग करें बुझे कौ डोमेन कौन फंक्शन डेफिनेशन जमा पड़ो मैंने केमती कौन कौन डिफाइंड है आर रू आई डिफाइंड है कौ डोमेन आई आ डोमेन है कैसे आर तो रेंजटे कौन भाग करें पड़े बुझे ना तो आउ रेजटे सब सबसेट अफ कौन कौ डोमेन बेले बेले एमती क्वेश्चन पड़े कौन थी मल्टीपल चेज हुई द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट है ओके यहाँ तो बेसिक फंक्शन है कि बेसिक फंक्शन पढ़े आसने ओब्वियसली आम कौन पढ़े आम पढ़े जे फास्ट पढ़े ऑन टू और इन टू फंक्शन है ऑन टू और इन टू है ऑन टू और इन टू मैंने कौन ये क्लासिफिकेशन फंक्शन फंक्शन के प्रकार है जमीक पीरियडिक फंक्शन है आउ कंपोजिट फंक्शन है ऑड और इवन फंक्शन है डिफरेंट टाइप फंक्शन ऑन टू और इन टू फंक्शन यहाँ क्लासिफिकेशन फंक्शन भितर आस ओके ओके सो ऑन टू और इन टू फंक्शन मैंने कौन देख ऑन टू और इन टू फंक्शन धर चित्र कर बढ़िया से बुझ पारू ए यहाँ बी अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एटा गोटे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर बीटा थ्री है ये एफ टू ये एफ वन देख जो थे डाहाण पटर सबुजाक एलिमेंट यूज हो नाला ताने कौन ये जिनस यहाँ रेंज बुझा ना एफ वन रेंज यहाँ कितना कौ डोमेन कौटा पूराटा सो रेंजटा प्रॉपर सबसेट इक्वल नुह प्रॉपर सबसेट है मैंने कम हम ही हम प्रॉपर सबसेट ऑफ कौ डोमेन है कम हम यहाँ इनटू फंक्शन किंतु जब सबुजाक एलिमेंट यूज हो सबुजाक एलिमेंट यूज हो मैंने कौन रेंजटा ये पूरा रेंज पूरा कौ डोमेन रेंजटा इक्वल टू इक्वल तीन टाइम इक्वल टू है कौ डोमेन ताले कौन हम इनटू ऑन टू फंक्शन हम है किसी लिखा दरकार नहीं तो बस बुझ है सबुजाक यूज हो ऑन टू फंक्शन हम सबुजाक यूज हो इनटू फंक्शन ग्राफिकली ह्यूमन माइंड एमती से ग्राफिकली शीघ्र मन रखे तो ये ग्राफिकली मन सब जो यूज हो इनटू सब यूज होगा ऑन टू सब यूज होगा मैंने रेंज स्कूल कौ डोमेन सब यूज है मैंने रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ कौ डोमेन यहाँ इनटू यहाँ इनटू ऑन टू को बेले बेले आम कौन कौ कहूँ सब्जेक्टिव भी कहूँ तो ये ना गुड़ा बहुत बड़ी ना गुड़ा ही पिला कन्फ्यूज ऑन टू इक्वल टू सब्जेक्टिव है इंटू ता मैंने देख ऑन टू इंटू ता मैंने जो फंक्शनटा गोटे गोटे फंक्शन अच्छे एफ से आइदर ऑन टू हम से ऑन टू ना तो कौन इंटू मस्ट हम बुझिपाल यहाँ ये कौन कमे कहे जमीक तर अड इवन तर गोटे फंक्शनटा अड है तो अड है तो अड है फंक्शनटा अड है मुझे कहीपरिन जो फंक्शनटा इवेन हम इवेन हो पारे न भी हो पारे बुझिपार तो जमीक धर एफ अफ एक्स इक्वाल टू एक्स स्क्वेयर यहाँ कौन इवेन फंक्शन इवेन मैंने इवेन हो गला धर एफ अफ एक्स इक्वाल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है यहाँ तो इवेन फंक्शन नुहे बुझा ना इवेन फंक्शन कौन पाई नुए इवेन फंक्शन कैसे एफ अफ एक्स इक्वाल टू एफ माइनस एक्स हम जिते बुझा ना तो एफ अफ एक्स कैसे एफ 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 माइनस एक्स कैसे एक्स जाए माइनस एक्स पका एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स तो यहाँ तो इक्वाल है दुटा तो इवेन नुहे तो इवेन नुहे मैंने कौन अड इवेन नुहे मैंने अड नुहे जदि गोटे फंक्शनटा इवेन नुहे ताने सी अड हो पारे न भी हो पारे बुझे तो तीन टा पसबिलिटी होगा इवेन हो पारे गोटे फंक्शन अड हो पारे आइदर इवेन और अड और नाइदर इवेन नर अड जमीक यहाँ यहाँ अड भी नुहे है यहाँ तीन टा आइदर इवेन अड न किंतु ऑन टू इंटू से नुहे ऑन टू इंटू है आइदर ऑन टू हम ना इंटू हम बुझिपार तो आइदर डाहाण पटे सब जगह एलिमेंट यूज हम ना हेनी बस दुटा ही पसबिलिटीज ना हाँ ना से मैंने मुझे कम कल धर गोटे क्वेश्चन अच्छे देख मैथ्रे यहाँ मैं देखिए धर गोटे क्वेश्चन अच्छे तू जानगल जो फंक्शनटा ऑन टू नुहे है सी इंटू हम मस्ट हाँ ना धर सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटू धर एक क्वेश्चन पे अच्छे धर तू देख लु ए बी सी डी ऑप्शन दे ए बी सी डी तू देखिल जे डी ऑप्शन जोटा सेटा ऑन टू नुहे तर किसी गोटे तू मेथड जानु जानते सांसंग ऑन टू नुहे तो ऑन टू नुहे ता मैंने कौन यहाँ ही इंटू हम
ବୁଝୁଛୁ ତ ମୁଁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେୟା, ଯଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅନ୍ ଟୁ ହେବ ନହେଲେ ଇନ୍ ଟୁ ହେବ, ଆଇଦର ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଇଦର ଅନ୍ ଟୁ ନହେଲେ ଇନ୍ ଟୁ, ହଁ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମରେ ଆସିବ ହେଲା, ମନେ ରଖ ତ ଓକେ। ଯଦି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଅନ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଟୁ କେମିତି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗ୍ରାଫିକାଲ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କେମିତି ହେବ, ରେଞ୍ଜ କୋଡ଼ ମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ରେଞ୍ଜଟା ପ୍ରପର୍ ସବସେଟ୍ ହେବ ଇନ୍ ଟୁରେ ଆଉ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେବ ଅନ୍ ଟୁରେ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ଫଙ୍କସନ୍, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ହେବ ନା, ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିକି ତ ହେବ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି ହେଲା, ପରେ ଫଙ୍କସନ୍ ପଚାରିବ ଜାଣିବା କେମିତି, ତ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଅନ୍ ଟୁ କି ଇନ୍ ଟୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଇଥିବ ହେଲା ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯାହା ବି ଦେଇଥିବ, ସେବେ ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦିଅ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦିଅ ହେଲା, ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରି ଆମେ ଶିଖେଇଛେ ଆଗ, ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦିଅ, ରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଯାହା ବାହାରିବ ଜିରୋ ଟୁ ଇନଫିନିଟି କି ଫୋର୍ ଟୁ ଇନଫିନିଟି କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରିବ ରେଞ୍ଜ। ଯଦି ପୁଣି ଚେକ୍ କର ଉପରେ ଯାହା ଆମେ କହିଲେ, ଯଦି ରେଞ୍ଜ ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋ ଡୋମେନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅନ୍ ଟୁ ହେବ। ଯଦି ରେଞ୍ଜ ଛୋଟ ହେଇଗଲା କୋ ଡୋମେନ୍ ଠୁ, ମାନେ କ'ଣ ସବସେଟ୍ ହେଇଗଲା କୋ ଡୋମେନ୍ର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇନ୍ ଟୁ ହେବ, ହଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ରେଞ୍ଜ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତାମାନେ କ'ଣ, ରେଞ୍ଜଟା କୋ ଡୋମେନ୍ରେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ନଟ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍, ଏଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ହିଁ ହେବନି, ତାପରେ ଅନ୍ ଟୁ ଅନ୍ ଟୁ ପର କଥା ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ନଟ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍, ହଁ ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼େ, ରେଞ୍ଜ ଇଜ୍ କୋ ଡୋମେନ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, ହଁ ନାହିଁ। ରେଞ୍ଜ କୋ ଡୋମେନ୍ ହେଲେ ଏହା ହେବ, ରେଞ୍ଜ କୋ ଡୋମେନ୍ ସମାନ ହେଲେ ଏହା ହେବ, ସେଇଆ ହିଁ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଆମେ, ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେବ ଆଗେ, ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ କୋ ଡୋମେନ୍ ସମାନ ହେଲେ ଅନ୍ ଟୁ, ଲେସ୍ ସବସେଟ୍ ହେଲେ ଇନ୍ ଟୁ, ସୁପର ସେଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ନଟ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍, ଓକେ। ଏବେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା, ଧର ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଇଛି ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ ହେଲା, ଆଉ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ହେଲା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୂର, ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ ମାନେ ଜିରୋ ଟୁ ପରେ ହେବ, ଜିରୋ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ହେଲା, ଜିରୋ ଟୁ ଇନଫିନିଟି ହେଲା, ଏଥିରେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ହୋଇପାରିବ, ୱାନ୍ ହୋଇପାରିବ, ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ, ଏମିତି ଚାଲିବ ବୁଝିଲ, ଫୋର୍ ବାଇ ନାଇନ୍ ବି ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଇଏ ନୁହେଁ, କ'ଣ ପ୍ରପର୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼। ଆର୍ ସେଟ୍ ମାନେ ସେଇଆ, ଯଦି ଇଣ୍ଟିଜର୍ କହିଲେ କ'ଣ, ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟିରୁ ଇନଫିନିଟି, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି, ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ୱାନ୍ ହୋଇପାରିବନି, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଏସବୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟିଜର। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର୍ କହିଲେ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଜିରୋ ଟୁ ଇନଫିନିଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର, ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି କହିଦେବ ତାହେଲେ ଜିରୋ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଯିବ, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍। ଆଗେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଏନ୍ ହେଲା ଏନ୍ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର୍, ସେଠି ଛୁଆବେଳେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା କ'ଣ, ୱାନ୍ ଟୁ ପରେ ଇଣ୍ଟିଜର ସେଟ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟିଜର ମାନେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି, କି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ ବାଇ ନାଇନ୍ ହୋଇପାରିବନି, କି ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ବାଇ ନାଇନ୍ ହୋଇପାରିବ କି, ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଇଏ ହେବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର୍, କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ଯାଇପାରିବ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼, ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟିଜର। ଆଉ ଆର୍ ହେଲା ଆର୍ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ, ଓକେ। ସୋ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏହା ଯେ ଏଫ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ, ସେ ପାଇଁ ଅନ୍ ଟୁ କି ଇନ୍ ଟୁ ହେବ ହେଲା, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନ୍ ଟୁ କି ଇନ୍ ଟୁ ହେବ, ଏଇଟା କେତେ ଜିରୋରୁ ଇନଫିନିଟି, ଆର୍ଟା ମାନେ କେତେ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟିରୁ ଇନଫିନିଟି, ଆମକୁ ଦେଖେଇବା ଯେ ଏଫ୍ ଆମକୁ ଦେବା କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ, କ'ଣ କରିବା ସେ ଫାଇଣ୍ଡ ଅନ୍ ଟୁ ହେବ କି ଇନ୍ ଟୁ ହେବ, ଫାଇଣ୍ଡ କର, ଆମକୁ ଅନ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଟୁ ପାଇଁ କରିବା ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, କାହାର ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସର, ହଁ ନାହିଁ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ, କେମିତି ରେଞ୍ଜ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ନାହିଁ, ତୁ ଏହା ଦେଇଥିଲେ ଏହା କରିବୁ ବୋଲି ହେଲା, ଏଇଟା ସେଇ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟରେ ତୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ତୋର ଯାହା ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁ କରିବୁ, ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟରେ ଯାହା ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବୁ, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ ହେଲା, ଓକେ। ସୋ ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି କରିପାରିବା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି, ଓକେ ଧର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦେଇଛି କେତେ ଜିରୋରୁ ଇନଫିନିଟି ଦେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଡୋମେନ୍, ଡୋମେନ୍ଟା ଜିରୋରୁ ଇନଫିନିଟି, ଜିରୋଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼, ଓକେ। ସୋ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ, ଜିରୋ ଏଇ ଜିରୋଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ, ତା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପକେଇଲେ ଦେଖିବା କେତେ ବାହାରୁଛି, ଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପକେଇବି କେତେ ବାହାରିବ ଦେଖିବା ହେଲା, ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପକେଇଲେ କେତେ ବାହାରିଲା, ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଜିରୋ କେତେ ଟେନ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଟେନ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଜିରୋ ହୋଇଗଲା, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଜିରୋ ତ କେମିତି ହେଲା ଟେନ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଇନଫିନିଟି,
एट से इनफिनिटी पक भी कम हम एक्सटा कौन इनफिनिटी माइनस वन बाय जीरो तो टेन्स टू के इनफिनिटी है लिमिट रे कथा कि ना लिमिट पकड़ा वन पाई इनफिनिटी है जीरो तो ये कह माइनस इनफिनिटी ये इनफिनिटी है ताने कौन कल मुझ लोअर भैल्यू पकड़े माइनस इनफिनिटी बाला हायर भैल्यू पकड़े प्लस इनफिनिटी बाला ताल मुझे कि माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी जाए बोली कहीं धर ये एक्स ये एक्स ये वाई धर मु लोअर भैल्यू पकईदेली धर आर प्लस दिस लोअर भैल्यू पकईदेली माइनस इनफिनिटी बाला एमती है माइनस इनफिनिटी आसीम्प्टोट भाई माइनस इनफिनिटी आ हायर वैल्यू पकईदेली मैंने सेपट को पूरा इनफिनिटी पर्यंत गला है मैंने एमती जाने मुपरिन जे पूरा रेंजटा कभर होगा मे बी फंक्शन टा ये देखिए ये रही जाइपे शून हो जाइपे पुणी एटू हो पारे केपर फंक्शन जमीक फंक्शन टा एमती हो पारे एमती फंक्शन हो पारे हाँ ना ये मत ये कौन तो हाँ कत प्रकार फंक्शन हो पार एमती है कि धर एम आक्सी फंक्शन देखा बेल एटू हम ये पारे हाँ ना आम कौन दरकार जे तार जदि से अंटू फंक्शन हम तेल कौन तार रेजटा के दरकार माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी हम दरकार कौन तेज से पूरा ग्राफ कवर करा दरकार सम हाउ पूरा ग्राफ मैंने कौन माइनस इनफिनिटी ये भैल्यू पूरा इनफिनिटी सब भैल्यू हाँ हाँ ना वाईटा कौन रेजा ना सो एक्स रो भैल्यू माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी हम दरकार मैंने कौन पूरा भैल्यू कवर करा दरकार से आम कौन कल ना आम देखे फंक्शन टा देखिए इनक्रीजिंग फंक्शन हो ना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स आम इनक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कितने बाहर करें एफ डी एक्स बाहर करा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इनक्रीजिंग केत इफ एफ डी एक्स ग्रेटर देन जीरो तर कौन हम इनक्रीजिंग एफ डी एक्स लेस देन जीरो कौन डिक्रीजिंग बुझल ओके सो सो यहाँ होगा तो कौन है ना वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एफ डी एक्स देख यही टर्मटा सब ग्रेटर देन जीरो कि ना कहीं ये तो स्क्वायर टर्म ना तो माइनस स्क्वायर जहाँ भी कहते सब प्लस आसा तो प्लस अच्छी प्लस कौन सब सब कौन हम यही टर्मटा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर अलवेज ग्रेटर देन वन हाँ कि ना कल देखिए कम जानव ये तो ये इनफिनिटी हेल्ला जीरो जीरो ये वन ओके ताले कौन है ये जो फंक्शन आम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स एटा कौन है इनक्रीजिंग फंक्शन हाँ ना ता माने है इनक्रीजिंग फंक्शन माने कौन है माइनस इनफिनिटी तो हमें जीरो पकेले कहीं तार डोमेन टा जीरो इनफिनिटी हाँ डोमेन तो जीरो पकेले से माइनस इनफिनिटी बाहर इनफिनिटी पकेले इनफिनिटी बाहर ता माने कौन से कंटिन्यूअसली इनक्रीज हो सीधा हो पारे एमती हो पारे जहाँ इनक्रीज होगा बुझ पार तो कंटिन्यूअसली इनक्रीज हो कंटिन्यूस इनक्रीज हो मैंने कौन पूरा रेंज से ओबियसली कवर कर इनक्रीजिंग फंक्शन मैंने कौन सब से ऊपर जीवन ना जब गोटे फंक्शन सब ऊपर जमी जाओ सब रेंज कवर करेंगे ना रेंज कवर करेंगे ना कौन वाई रब भैल्यू आस जीरो टू इनफिनिटी पर्यंत कि जीरो टू माइनस इनफिनिटी पर्यंत बुझल तेल फंक्शन टा कौन हम अन् टू हो ना कहीं तार रेंजटा होते माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी कोडोमेन भी सैया देती कोड मैंने आर देसी ना आर मैंने कौन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सो रेंज इक्वल टू कोड मैंने गला तल कौन है अंटू फंक्शन में बुझ पार तू मैंने इतनी कौन इतनी किसी ये ना ही प्रोसेस ना तब देख पार जो कौन हो फंक्शन कमी बिहेव कर बुझ तो आ गए एग्जांपल करे एफ आर प्लस टू आर प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डोमेन के आर प्लस मैंने कौन जीरो इनफिनिटी रेंज के मैंने सॉरी को डोमेन के जीरो रू इनफिनिटी एटा एटा को डोमेन मुझे कही ना को डोमेन ए थ्रु जो पड़ज रेंज भाग करेंगे अन् टू कि इन टू रेंज के भाग करें फंक्शन टा कौन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देख ये रेंज भाग जरूरत भी पड़े कहीं एक्स स्क्वायर ग्राफ कमी हम पार बोला देख
ଗ୍ରାଫ ଯଦି ଯାହାକୁ ଠିକ୍ସେ ଗ୍ରାଫ ଯଦି ମାଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଏଫ୍ ଓ ପାଖ ସ୍କୋୟାର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଗ୍ରାଫ ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ୱାଇ ପାରାବୋଲା ବନେଇବାରେ ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଧର ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ଯେଉଁ ଟର୍ମଟା ସ୍କୋୟାର୍ ଥିବ ସେଇ ଆକ୍ସିସ୍ଟା ସେଇଟା କେବେ ଆକ୍ସିସ୍ ହେବନି। କ'ଣ ଯେଉଁଟା ସ୍କୋୟାର୍ ଥିବ ଏଇଟା କେବେ ଆକ୍ସିସ୍ ହେବନି, ଏଇଟା କ'ଣ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍। ଏକ୍ସଟା ସ୍କୋୟାର୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ଟା ଆକ୍ସିସ୍ ହେବନି। ଏଇ ପାରାବୋଲାର ଆକ୍ସିସ୍ କେଉଁଟା କହିଲୁ? ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍। ଆକ୍ସିସ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ମାନେ ୟାର ଭର୍ଟେକ୍ସଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଭର୍ଟେକ୍ସ କହୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଟେ ଖୋଲିବ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିବ କି ଯାହା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ସ୍କୋୟାର୍ ଥିବ ସେଇଟା କେବେ ଆକ୍ସିସ୍ ହେବନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଯଦି ଦେଖ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିବ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉପରକୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିଲେ ତଳକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍। ସେମିତି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍, ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ କେମିତି ହେବ? ଯେଉଁଟା ସ୍କୋୟାର୍ ସେଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ହେବନି, ଆଉ କିଏ ବଳିଗଲା? ଏକ୍ସ ବଳିଗଲା ହେଲା ନାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ହେବ। ଜାଣିବି କେମିତି ସେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଯିବ? ଦେଖ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ପକେଇଲେ ୱାଇ କେତେ ଆସୁଛି? ଶୂନ ଆସୁଛି, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଅରିଜିନ୍, ସେଇଆ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତ? ଏ ପକେଇ ଦେଖ, ତ ଏଇଟା କେତେ? ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍। ସେମିତି ଏଇଟା କେତେ? ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍, ଏଇଟା ସବୁ ଅରିଜିନ୍ ଦେଇକି ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଡାହାଣକୁ, ମାଇନସ୍ ହେଲେ ବାହାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଉପରକୁ, ମାଇନସ୍ ହେଲେ ତଳକୁ, ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଏତିକି ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଅନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବୁଝେ, ମୁଁ ଏସବୁ ଗ୍ରାଫ କେମିତି ଡ୍ର କରାଯିବ ବୁଝିଲୁ। ତାପରେ ଧର କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଦେବ ନା, ଧର କେତେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଦେବ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଡ୍ର କରିବୁ? ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଏକ ତ ସ୍କୋୟାର୍ ଅଛି ମାନେ ପାରାବୋଲା ହେବ। ଦେଖ ସ୍କୋୟାର୍ ସେ ଟର୍ମ ଥିଲା ମାନେ ପାରାବୋଲା, ସ୍କୋୟାର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଥିବ କି କ୍ୟୁ ଥିବ ତା ଉପରକୁ ଗଲା ମାନେ ପାରାବୋଲା ହେବ ହେଲା। ଓକେ ପାରାବୋଲା ହେବ ଏକରେ, କୁଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ? ଆକ୍ସିସ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ୱାଇ ହେବ, ୱାଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ହେବ। ମୁହଁ କୁଆଡ଼େ କରିବ? ଉପରକୁ କରିବ, କାହିଁକି ମାନେ ଏକ୍ସର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ଧର ଧର ଏଠି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ଏକ୍ସ ଉପରକୁ, ତୁ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ? ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିବ ଆଉ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ହେବ ହେଲା। ତା'ର ଦୁଇଟା ରୁଟ୍ କ'ଣ? ତିନି ଆଉ ଦୁଇ। ରୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୱାଇଟା ଜିରୋ ହେବ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ, କାହିଁକି ତିନି ପକା, ତିନି ପକାଇଲେ କେତେ ହେବ? ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ତୁ ଦୁଇ ପକା, ଦୁଇ ପକାଇଲେ କେତେ? କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ହଁ ନାଇଁ, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ? ଟୁ କମା ଜିରୋ, ଏଇଟା ଥ୍ରୀ କମା ଜିରୋ। ଉପରକୁ ମୁହଁ କଲା, ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ହେଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ୟାର ୱାଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ହେଲା। ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଛି ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ୱାଇ ବାଲା ଟୁ କମା ଥ୍ରୀ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ? ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିରୋ ପକେଇ ଦେ, ଜିରୋ ପକା, ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ଛଅ, ମାନେ ଜିରୋ କମା ସିକ୍ସ, ଏଇଟା କ'ଣ ଟୁ କମା ଜିରୋ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥ୍ରୀ କମା ଜିରୋ। ଜାଣିବ ଗ୍ରାଫ କେମିତି ହେଉଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ବୁଝିଲୁ। ସେମିତି ତୋର ତ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍, ତୋର ଏମିତି ଭଲ, ତ ୟାର ଗ୍ରାଫ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ ବି ହେଇପାରିବନି, ହଁ କି ନା? ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍, ଓକେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ଟା କେମିତି ହେବ, ସେ ପାରାବୋଲା ତୁମେ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ। ଧର ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଗ୍ରାଫ କେମିତି, ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଗ୍ରାଫ ହେଲା ଏଇଟା, ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଗ୍ରାଫ କେମିତି, ସେମିତି ଉପରକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଫ୍ଟ କରିଯିବ ଏକ କମା ଜିରୋ। କେମିତି ଜାଣିବେ ଏକ କମା ଜିରୋ ବୋଲି? ଏକ୍ସରେ ଏ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଜିରୋ ହେଉଛି ୱାଇଟା, ବାସ୍। ଧର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍, ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍, ତା'ମାନେ କ'ଣ ବାଁକୁ ଆସିବ? କାହିଁକି ବାଁକୁ ଆସିବ? କାହିଁକି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଏ ରେ ଜିରୋ ବେଳେ ମାଇନସ୍ ଏକ କମା ଜିରୋ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ନ ହେଉଛି ମୋତେ କହିବି ଜାଣିଛ, ତ ମାଇନସ୍ ଏ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜିରୋ ହେବ, ତାହେଲେ ଜିରୋ ଜିରୋ ହେଉଛି ନା, ବାସ୍। ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ବାହାରିଲା ଟି, ଓକେ। ସେ ତା'ମାନେ ଗ୍ରାଫ କେମିତି ହେବ? ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାଫ କ'ଣ? ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍, ମାନେ କ'ଣ ୱାଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଉଠିବ, ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍, ମାନେ ଏମିତି ଉପରେ ଗଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେବ? ଫାଇଭ୍, ମାନେ ଫାଇଭ୍ କମା ସରି ଜିରୋ କମା ଫାଇଭ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ତ ୟାର ରୁଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ,
ପୁରା ଉପରେ ଉପରେ ଆସୁଛି। ରୁଟ୍ ଅଛି ନା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଯଦି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଟକ୍ରେ ରୁଟ୍ ଅଛି ନା ହେଲା ନାଇଁ, ରୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏକ୍ସଟା କେଜି ପକେଇଲେ ୱାଇଟା ଜିରୋ ହେଉଥିବ, ୱାଇଟା ଜିରୋ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସକୁ ଟଚ୍ କରୁଥିବ ହେଲା ନାଇଁ, ୱାଇଟା ଜିରୋ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟଚ୍ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଟଚ୍ ହିଁ କରୁନି, ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ରୁଟ୍ ନାହିଁ? ବୁଝିହେଉଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ବଡ଼ି, ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ହେଲା, ନର୍ମାଲ ଦେଖିବା କଥା କେମିତି ହେଲା, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ଏଫ୍ ବେସିକ୍ ଇୟାର ଗ୍ୟାପ୍ କେମିତି ଜାଣୁନି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବନି, ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କହିବୁ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଠିକ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ପୁରା ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ 25 ପ୍ଲସ୍ 10x ମାଇନସ୍ 3 ସେମାନେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ 10x ପ୍ଲସ୍ 22 ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବି ଆର ହେଲା? ଦେଖ ଆଇଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ ହେବ ନହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କରିବୁ, ଆଇଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ ନହେଲେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ ହେଉଛି କି ମେ ବି ହେବନି, 11 ଦିନ 22 ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ ହେବନି, ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ ହେବ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍କୋୟାର ଟର୍ମରେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବୁ, ସ୍କୋୟାର ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ର ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ଦେଖ ବେସିକ୍ରୁ କହିଦେଉଛି, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 10x ପ୍ଲସ୍ 22 ଏତିକି ଦେଇଛି ହେଲା, ତ ମ୍ୟାପ୍ କେନ୍ ସ୍କୋୟାର ରିପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ହେଲା, ସୋ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି କ'ଣ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସମଥିଙ୍ଗର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେବ, ଯଦି ଏମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 10x ପ୍ଲସ୍ 22 ତାହେଲେ କ'ଣ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସମଥିଙ୍ଗର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, କାହିଁକି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ପୁରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 × x ପ୍ଲସ୍ 5 ନା, ସରି 2 × x × 5 ନା ନାହିଁ, 10ଟା କଲେକ୍ଟ କରିବି, 2 × x × 5 2 × x ହେଇଗଲା, ଆଉ 5 ଅଛି, ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି କି ଜାଣିଛୁ ନା, ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ଲସ୍ 5ର ସ୍କୋୟାର କରନ୍ତି ମାଇନସ୍ 5ର ସ୍କୋୟାର କରନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ 22 ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 25 ପ୍ଲସ୍ 22 ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3 ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଧର ଏଠି ଏଇଠି ଦେଇଥିବ 4x ସ୍କୋୟାର ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ କରୁଛି, 4x ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ, 2x ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2 × 2x ଯାହା ଥିବ ଏଇଟା ସେ, ସେ କ'ଣ ହେଲା, 4x ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, 10x ଦରକାର, ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି, 4x ବାହାରିଲାଣି, କେମିତି 10 କରିବି ମୁଁ, 10/4 କରିବି ହଁ ନାଇଁ, 10/4 କଲେ କଟିଯିବ ପ୍ଲସ୍ 10/4 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, 10/4 5/2 ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, 10/2 ହୋଲ୍ 4 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 10/4 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 22 ହଁ ନାଇଁ, ତ ଏଇଟା କଥା ହେଲା, 2x ମାଇନସ୍ 10/4 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହଁ ନାଇଁ, ମାଇନସ୍ 25/4 ପ୍ଲସ୍ 22 ଯାହା କରିବି ବାହାର କରିବି, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କରାଯିବ। ଓକେ, ଯଦି ସ୍କୋୟାରର କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଥିବ ଆଇଦର କ'ଣ କରିବୁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବୁ ନହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କରିବୁ, କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ସୋ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କଲେ ଏତିକି ବାହାରିଲା ଫାଇନାଲି ହେଲା, ସୋ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏୟାର ଗ୍ରାଫ କରିବା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ 5 କେମିତି 0ରେ ଯିବ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖ ଏକ୍ସରେ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ କ'ଣ ୱାଇଟ ଆକ୍ସିସ୍ ହେବ, ୱାଇଟ ଆକ୍ସିସ୍ ହେଲା ତାର ରୁଟ୍ କେଉଁଟା ହେବ, ମାଇନସ୍ 5 କେମିତି 0, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଇଏ ଟୋଟାଲ କେବେ ଦରକାର, ମାଇନସ୍ 3 ଉପରକୁ କଲେ ପ୍ଲସ୍ ତଳକୁ କଲେ ମାଇନସ୍, ମାଇନସ୍ କ'ଣ ଏମିତି ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କେମିତି ଭାଗ କରିବୁ, ଆରାମସେ ବାହାରିବ, କ'ଣ କରିବୁ, ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ପକେଇଦେବୁ, କାହିଁକି ୱାଇଟ 0 ନାହିଁ, ସଲ୍ଭ କଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ବାହାରିଯିବ, ବାହାରିଯିବନି, ରୁଟ୍ କେମିତି ଭାଗ କରିଦେବେ ଫଙ୍କସନ୍ର, ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 କରିଦେବୁ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ବାହାରିବ ଆଉ କ'ଣ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଯେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଉପରଟାକୁ ହିଁ କରିବା, ଧର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3 ହେଲା, ସୋ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 5ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 କେତେଟା ବେୟାର କପାରିବା, ମୁଁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କପାରିବୁ, ତୁ ତୁ କ'ଣ କପାରିବୁ, ଖୋଲି ଦେଇପାରିବୁ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 25 ପ୍ଲସ୍ 10x ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଠିକ ହେଲା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 10x ପ୍ଲସ୍ 22 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ତାପରେ କ'ଣ, ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ବାଇ 2a 100 ମାଇନସ୍ 88 ବାଇ 2a 2 କେତେ, ମାଇନସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ 12 ବାଇ 2 ମାଇନସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ 3 ହେଇଗଲା, ସୋ ତାମାନେ ଓକେ ତାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ, ଆରେ ଭାଇ ତ ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ତାମାନେ ହେଲା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ 3 ଗୋଟେ ରୁଟ୍, ମାଇନସ୍ 5 ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ 3 ଗୋଟେ ରୁଟ୍, ହଁ କିଏ ବଡ଼, ଏଇଟା ବଡ଼ ଏଇଟା ଛୋଟ, କାହିଁକି କେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁ, ଦେଖ
এই গ্রাফরু এই পয়েন্টটা কম হবে, এই পয়েন্টটা কম হবে, এই পয়েন্টটা বড় অবভিয়াসলি মানে এক্সটা বড় না। সে কম মাইনাস ফাইভ প্লাস রুট থ্রি, এটা মাইনাস ফাইভ মাইনাস রুট থ্রি হয়েগলা। আউ কেমতি ভাগ করে আহরি ভাগ করে কেতে সারা বই আছে, ধর এক্স প্লস ফাইভ র স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো। সো এক্স প্লস ফাইভ র স্কোয়ারটা কেতে হলো তিন হল, সো এক্স প্লস ফাইভটা কেতে হবো প্লস অর মাইনাস রুট থ্রি। সো এক্সটা কেতে হলো মাইনাস ফাইভ প্লস অর মাইনাস রুট থ্রি, সো মাইনাস ফাইভ মাইনাস রুট থ্রি গোটে, মাইনাস ফাইভ প্লস রুট থ্রি গোটে, সেম ভাল হলো। সো ডিফরেন্ট ওয়ে কেন ভাগ করে যা হয়েছে সে হিসাবে হল, তু বাস শিখ শিখেছে কেমন ম্যাথ করা যায় হল, কিছু তু এ দেখ এ প্রসেসরে মু করবি ইয়া করবি, তু বাস দেখেছি ম্যাথটা কেমন করা যাচ্ছে হল, দ্যাট ইজ দ মেন থিং। যেতে আসলে আবসব চাপ পেয়ে পাব ওকে, সে কিন্তু আমার জিনিস ইয়া নথিলা। তো তুমি কইদেলে কেমতি গ্রাফ করা যাব, কেমতি সব রুট করা যাবে, সব সব কিছু কইদেলে হল, কেমতি করে আমি আমার কোশ্চিন কিন্তু আর প্লস রু আর প্লস এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার, এটা ফাংশন আছে ওকে। আমি করেছি অন টু ইন্টু কম হব ওকে। সো দেখ শুন, এই ভিডিও মুই অপলোড করি তুই তোকে শহে থর দেখবি, কারণ বহু সারা জিনিস মুই কইদেলি গোটে দিন হল, গ্রাফ টু আরম্ভ করি কেতে সারা জিনিস কইসারে বুঝিপারছ তো, তুই যদি আগে জানতো তো ভালো কথা, ন জানি তুই দেখি হল ওকে। সো এফ এক্স এক্স স্কোয়ার, তো ডোমেন কেতে জিরো টু ইনফিনিটি, রেঞ্জ বি জিরো ইনফিনিটি, বাস লিখে দেবো ডোমেন রেঞ্জ নয়, এটা কোন কো ডোমেন রেঞ্জ কম আমি বাহার করে যেটা ওকে। সো যদি রেঞ্জটা বি জিরো টু ইনফিনিটি আমার হয়ে গেল, যদি 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 রেঞ্জটা জিরো ইনফিনিটি হয়ে গেল তাহলে কম হব অন টু হয়েছি, নহলে হবনি আর কম হল ওকে। সো ফার্স্ট আমি গ্রাফ ড্র করে দেবো, দেখ সহজের কোশ্চিনটা হয়েছি, এফ ও বেস করে এক্স স্কোয়ার গ্রাফ কেমতি হব, এমতি হব বারাবার, কিন্তু ডোমেন জিরো টু ইনফিনিটি তার মানে কোণ সে কেবল জিরো টু ইনফিনিটি পর্যন্ত হি পকাইব হল, কোণ জিরো রু ইনফিনিটি পর্যন্ত পকাইব, এপটে না তো না মানে কম করিয়া না শূন্যটা আছে কি না, শূন্যটা বি না কী শূন্যটা এক্সক্লুডেড অছি। সো এটা কোণ এমতি ইমপ্রিন্ট করা যায় সার পড়েছে তোমার এমটি হল ডেলাগ্রাফ হ্যাঁ জিরো ইনফিনিটি। তো দেখে এই গ্রাফর রেঞ্জ কে কোনটা হবে, দেখ সব ওয়াই রে সব সব ভ্যালু কভার করবে কি না, ওয়ান টু থ্রি পর সব আসব জিরো ইনফিনিটি পর্যন্ত, রেঞ্জ কম হয়েগেলা তু গ্রাফ দেখি কেবু রেঞ্জ কে হল জিরো ইনফিনিটি হয়ে গেল, শূন্য হবনি কম পাই কেন শূন্য শূন্য তো পকাই পারিবনি, শূন্য পকাইলে সিনা শূন্য হব, শূন্য তো পকাই পারিব না, দেখ এটা হল ফাংশন হল, এটা শূন্য পকা শূন্য পকাইলে হি শূন্য হব, কিন্তু যেহেতু শূন্য পকাই পারিবনি সরি ডোমেন তো শূন্য না শূন্য পকাই পারিবনি, শূন্য পকাই রেঞ্জ বি শূন্য হবনি তো তাহলে কম হল ইয়ার রেঞ্জ জিরো ইনফিনিটি হয়ে গেল, তো এটি কম হল রেঞ্জ ইজ কোয়াল কো ডোমেন হয়ে গেল, তো এটা হলে কম হব ওয়ান টু খতম, খালি গ্রাফ ড্র করে কোশ্চিন সরি গেল বুঝলু। কিন্তু দেখ এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কে দিতে সাংস, যদি এটা আর প্লস ন দেখি ধর এম দিয়ে থাকে ধর এফ অফ আর প্লস রু ধর দিয়ে থাকে দিয়ে থাকে আর প্লস ইউনিয়ন জিরো, তার মানে জিরো হবো আর বি হব, তাহলে কম হচ্ছে না কল ফাংশনটা, ডোমেন কম হল ডোমেন হল জিরো রু ইনফিনিটি, রে কো ডোমেন কম হল কো ডোমেন হল জিরো রু ইনফিনিটি, এটা ইনক্লুডেড, কিন্তু তুই গ্রাফর দেখ রেঞ্জ কম বাহার জিরো রু ইনফিনিটি, এটা কম এটা তো রেঞ্জ কো ডোমেন হল কি রেঞ্জটা কম হল সবসেট অফ কো ডোমেন হয়ে গেল, কাহিঁ কো ডোমেন অধিক গোটে জিরো অছি তাহলে কম হবে এটা ইন্টু হয়ে যাব বুঝলো, কিন্তু খালি ছোট জিনিস চেঞ্জ করলে পুরো পুরো জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেল বুঝিপারল। ধর আউটে দেবি জিনিস ধর এফ অফ আর টু আর প্লস বুঝিপারল, এবে ডরিবার না আর আর প্লস মানে কম বুঝলে না, আগুর ডর মারিছিল কম আর আর প্লস আর মানে কম ডোমেনটা কম হব জিরো ইনফিনিটি সরি মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি, রেঞ্জটা সরি কো ডোমেনটা কম হব কো ডোমেনটা হল জিরো ইনফিনিটি, ফাংশন কম দিয়েছি এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার পচাশ অন টু কিউ ইন্টু নাই ওকে অন টু ইন্টু নাই পচাশ, যদি তাহলে আমি কম ভাগ করি ভাগ করি রেঞ্জ রেঞ্জ কেমন পাইব, দেখ এটা গ্রাফ দেখি বহু জিনিস এক্স কিউর গ্রাফ কেমতি হবে কইল ওয়াইজ কল এক্স কিউর গ্রাফ এমতি সাপ ভাইয়া সাপ ভাইয়া গ্রাফ হব বুঝিপারল। সো ওকে কিন্তু ডোমেন কে দিয়েছি
माइनस इनफिनिट इनफिनिट तमें कौन पूरा है माइनस इनफिनिट इनफिनिट पर्त रेज के बाहर आमर रेज के बाहर जी ग्राफ को देखिए रेज के पूरा माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट ना रेज मैंने कौन वायर भैल्यू ये के माइनस इनफिनिट एपटे पूरा प्लस इनफिनिट पर्त जा तो रेज के कौ डोमेन के जीरो रू इनफिनिट ये कौन केस आसला कहलु बस रेंजटा सुपर सेट होगा कोड डोमेन रो तो यहाँ फंक्शन ही नुहे नॉट ए फंक्शन तामने कौन वाई एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एक्स गोटे फंक्शन नुहे ना सेमती नुहे फंक्शन केते बड़े या द्वारा डिफाइंड हम आम जो डिफाइन करते आर करदे था जो ये आर है तो कौन हो कोड डोमेन के माइनस इनफिनिट इनफिनिट रेंज के पाला माइनस इनफिनिट इनफिनिट ताल कौन था अंटू फंक्शन है ना तो फंक्शन देखिए तू कही पारे जो इंटू कि अंटू हम तो यहाँ देखा कौटू कौ बंद डिफाइन है ना बस किसी बहुत बड़ कथा नहीं देखिए रेंज पा कर ग्राफ देखे ग्राफ द्वारा क्वेश्चन के इजी हो जाए ना ग्राफ द्वारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए ओके तापर तापर तर गोटे क्वेश्चन अच्छे बढ़िया क्वेश्चन अच्छे तर एफ ऑफ अल्फा टू इनफिनिट दे फोर टू इनफिनिट ओके आउ एटा कौन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव से पचार एफ ऑफ एक्सटा अंटू एफ ऑफ एक्सटा कौन अंटू दे पचार फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा अल्फा वैल्यू पचास के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कहते हैं अंटू दे फंक्शन टाग तो ये क्वेश्चन देख डोमेन के अल्फा टू इनफिनिट को डोमेन के फोर टू इनफिनिट बस इतनी जिनसे पास लिखी देव आम कौन भाग रेंज तो रेंजटा को डोमेन जो समान है जहाँ हम लेस देन मैंने सबसे कम सुपर कम जाना आमको रेंज भाग किंतु फॉर्चुनेटली आम फंक्शन ग्राफ जाने जो जहाँ ग्राफ जानते ड्र करदे बहुत इजी है क्वेश्चन है यार ग्राफ जानु ना नहीं तू यार ड्र करदे केम जानु कहीं एफ ऑफ एक्स मैंने वाई वाई इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स सिक्स प्लस फाइव तो ये कौन पारा बोला हम फाइव जन पारे फॉर्चुनेटली फैक्टराइज भी हम देखी जना पड़े कहीं पाँच छः ओके सो केमती ग्राफ हम वन फाइव ए पॉइंट कहते कर एक्स जीरो पकड़ कहते पाँच है फर्स्ट पॉइंट भाग कहते जीरो कमा फाइव वन कमा जीरो फाइव कमा जीरो है फर्स्ट इतनी मिल गला है ये ये फंक्शन ग्राफ किंतु फंक्शन सब डिफाइंड ना कौ डिफाइंड अच्छी डोमेन के अल्फा रू इनफिनिटी हम आम से अल्फा बारे बाहर करा रेंज के मैं कौ डोमेन के फोर रू इनफिनिटी देख जेहेतु फंक्शन टा अंटू हम ताहले को डोमेन इक्वल टू रेंज हम ना नहीं सो फंक्शन रेंजटा के दरकार फोर इनफिनिट हाँ दरकार कौन वाई वाई इक्वल टू फोर इनफिनिट मतलब सब जगह भैल्यू रहा दरकार लेस देन हो पार्बनी लेस देन कौन हो रेंजटा अधिक हो रेंजटा अधिक फंक्शन ही हेनी कि चार रू इनफिनिट मतलब सब जगह भैल्यू इनक्लूड हाँ दरकार सब जगह भैल्यू इनक्लूड हाँ दरकार तो वाई इक्वल टू फोर गोटे गारटा यहाँ वाई इक्वल टू फोर ना नहीं तो गोटे पॉइंट वाई इक्वल फोर यहाँ गोटे पॉइंट वाई इक्वल टू फोर ओके बुझे वाई इज फोर मैंने कौन मैंने ये जो सेटल उपरे जो जो पॉइंट देते हैं वाई कोनेटा फोर हम एक्सट्रा जहाँ भी होपर वाईटा फोर हम तो तू मत कह जे मु जदि डोमेनटा कौटू कौट रखिले सबुजाक रेंज मैंने रेंजटा पचास क्वेश्चन जे डोमेनटा केते हवा दरकार जहाँफल कि रेंजटा रेंजटा कौन हम रेंजटा देख तू ये फंक्शन कौन दे हाँ रेंजटा के हम क्वेश्चन दे फोर टू इनफिनिट हम कहीं फंक्शन अंटू अच्छी अंटू मैंने कौन को डोमेन इज्कवल टू रेंज तो रेंज इतनी हवा दरकार तू फंक्शन ले फोर पका ये फंक्शन ले वाई इज्कवल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव आम कौन दरकार रेंजटा फोर हवा दरकार मैं ना रेंजटा कौन हवा दरकार फोर हवा दरकार सो तो आम वाईटा फोर
फोर इज्क्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव। सो कौन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन बोल हाँ प्लस वन इज्क्वल टू जीरो है ना। सो एक्स के माइनस बी प्लस ए माइनस टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। सो कहते थ्री प्लस और माइनस इतना लगा थे आठ सौ सोलह चार टू रूट टू है बटे थ्री प्लस टू रूट टू बाहर कर बाहर है थ्री प्लस टू रूट टू आउट कौन थ्री माइनस टू रूट टू ता मैंने कौन ता मैंने देख कौन ये फंक्शन आम ये कौन सल्व कले वाईटा कौन पकड़े फोर पकड़े ता मैंने जदि वाई इज कल फोर गोटे लाइन टाणी है कौन हम एक्स कोऑर्डिनेट केते पारे गोटे थ्री प्लस टू रूट पारे गोटे थ्री माइनस टू रूट पारे ता मैंने ये जो पॉइंटा बड़ कि यहाँ बड़ सो ये कैसे बाहर थ्री प्लस टू रूट बाहर यहाँ कौन बाहर यार जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहे थ्री माइनस टू रूट बाहर हाँ ना ना कहती ये बुझे देख यहीटा गोटे ग्राफ मत बाहर कर कौन अच्छी जे जो पॉइंट रे तार वाईटा वाई रैल्यू फोर से पॉइंट एक्स वैल्यू बाहर हाँ कि ना जेने स्टेट ने भी एमती करूँ ना। सो वाई टाइम फोर पकड़ी एक्सटा बाहर गोटे थ्री प्लस टू रूट गोटे थ्री माइनस टू रूट बाहर गला हाँ ना नहीं। सो यही पॉइंट कैसे कनेक्ट कैसे थ्री माइनस टू रूट टू कमा वाई कैसे फोर ए पॉइंट कैसे थ्री प्लस टू रूट टू कमा फोर कि आमको यह भाग ना आम भाग अच्छे डोमेनटा कौन है रेंजटा फोर रु इनफिनिट हम आम देखिले जदि रेंजटा फोर हाँपाई आम कौन कराया पड़ी थ्री प्लस टू रूट पकड़ पड़ी हाँ तू मत ये देखिक कह सब जिन सल्व हो जाए क्वेश्चन तू मत ये देखिक कह जे जे डोमेनटे सी कौन देखिए आलफा रु इनफिनिट ना। सो मुर कौ मैंने कौटू के पर्यटन ने डोमेनटा रेंजटा फोर टू इनफिनिट हम ये तो पकेलु कौन बाला फोर बाला यू भी पकेलु फोर बाला जदि मु डोमेनटा नहीं जीवी थ्री माइनस टू रु टू रु इनफिनिट है इनक्लूडेड है इनक्लूडेड कहीं फोरटा इनक्लूडेड अच्छे बुझिपार तो ओके। सो फोर माइनस थ्री माइनस टू रु टू इनफिनिट मुझे यहीटा नहीं जी डोमेन डोमेन मैंने कौन पूरा यू बात मतलब यू आग को डोमेन एक्सटा डोमेन है एक्स ओके तो रेंजटा कौन हो रेंजटा कौन हो फोर तल को जाऊँच कि नेगेटिव होनी जीरो हो फोर ऊपर को जाऊँ रेंजटा कौन हाँ दरकार फोर इनफिनिट हाँ दरकार तो यहाँ हम कि हाँ आ गए कम बढ़ला बास तो तू निजे देख ला तु थ्री प्लस टू रु टू थ्री प्लस टू रु टू रु इनफिनिट कर मैंने कौन यहाँ पकड़े फोर भी आसब फास्ट फोर आसीगला तापर या पर को तू जहाँ भैल्यू पका है जो भी भैल्यू पका यहाँ कौन हम यहाँ ऊपर को इनक्रीज हो जाए ना कहीं नाई तमें कौन वाई रु भैल्यू हम ना ना फोर इनफिनिट मैं सब जाक भैल्यू इनक्लूडेड हम पारेबल मैंने कौन पारेबल मैंने पूरा इनफिनिट पर्यंत जाए हाँ ना पूरा इनफिनिट पर्यंत जाए कौन मुझ डोमेनटा यू डाण को नेबी तो कौन ये इनक्रीजिंग फंक्शन अच्छी इनक्रीजिंग फंक्शन मैंने कौन सब जाक भैल्यू कवर अप कर बुझिपारू तो आलफाटा के थ्री प्लस टू रूट बुझिपार ना बुझिपारू तो मुझे कह ग्राफ को देखिए कमी बाहर कराला किसी जिनस ना जे तू एमती ये प्रोसीजर कर वाई स्कूल ये पकेब ये पकेब जो बाहर सेमती किसी ना है कमन सेन्स अप्लाई कर चलो है ओके यहाँ है ऑन टू आउ इनटू फंक्शन हो गला ओके इनटू तो आम तू कह इनटू रे किसी क्वेश्चन करने जो फंक्शन ऑन टू हेनी सीटा कौन हम ऑन टू है इन टू हम कौन थर तू थर गोटे ग्राफ कल देख लु जे यहाँ ऑन टू होनी ऑन टू होनी मैंने कौन अच्छे इन टू हम कम चलिए कौन ओके ओके एति तापरे फाइनली मुझे सब लास्ट कहीदेवि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नंबर ऑफ इनटू फंक्शन है जो कहते नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नंबर ऑफ इनटू फंक्शन नंबर ऑफ वन टू वन मेनी टू वन एमती क्वेश्चन के पढ़े है खाली बही रही देती एमती क्वेश्चन के पढ़े आज पर्यटन मुझे देखनी है तुम्हें यहाँ इंपोर्टेंट नुएं घोषार अच्छे मुझे कहीदेवि लास्ट को है बात कर तो ये बुझे ना तो ऑन टू इन टू कमी हम आउ गोटे आम कह जी तर ए बी है फंक्शन डिफाइंड धर एन ऑफ ए मैंने कौन कहल
ए रे कितने एलिमेंट अच्छे एटा थर गोटे सेट एन अफ ए मैंने कौन मैग्नीट्यूड अफ ए मैंने टोटाल ए रे कितने एलिमेंट अच्छे धर एटा एन वन है एन अफ बीटा एन टू है मैंने कह धर ए इज इक्वाल टू वन टू थ्री है एन अफ एटा के थ्री धर बी इज इक्वाल टू आलफा बीटा गामा है गामा डेल्टा है तर एन अफ बीटा के फोर तमें कतरे एलिमेंट अच्छा बुझिपार ना ओके सो एन अफ ए है एन वन एन अफ बी है एन टू बुझिपार ना बुझिपार कि सो एन अफ ए है एन वन एन अफ बी है एन टू सो जदि कहला सी इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन टू हम एन वन इज इक्वल टू एन टू हम एन वन लेस देन एन टू हम ताल फंक्शन टा ऑन टू इनटू कौन हम कहते कही एन वन कौन नंबर ऑफ ए रे कितने एलिमेंट अच्छे एन टू कौन बी रे कितने एलिमेंट अच्छे ताल एन वन ग्रेटर देन एन टू हेल्ले कौन हम ठीक है एनालाइज करिया तर एन वन ग्रेटर देन एन टू फास्ट कंडीशन ओके मैंने एन वनटा बड़ छोट ता मैंने यू पाँचटा थी वन टू थ्री फोर फाइव लेट मान दी पाँचटा थी ये तो तीन टा थी टू थ्री फोर है तू कह जे जरी एमती गोटे थी फंक्शन तू कह जे यहाँ अन् टू हम ना इन टू हम भल से भाव देख जेहेतु एपटे अधिका अच्छी कौन एपटे अधिका अच्छे ता मैंने एमती हो पार फंक्शन हम मैंने कौन सबुजाक ये हम सबुजाक गोटे गोटे हम फंक्शन ये तो फंक्शन तो हम ही हम कहीं पचार अन् टू कि इन टू फंक्शन तो हम ही हम है तो एमती है कौन है सबुजाक डाण पटे एलिमेंट यूज है आ गए पसबिलिटीज कौन हो पारे वन टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर तो सबुजाक गोटे जाक एलिमेंट को कहली ता कौन ये बढ़ीगले तेल कौन ये ये कौन हम इन टू ए केस इन टू ए केस अन् टू कौन के जाने अन् टू कि इन टू सो यहाँ कैन बी सेड कैन बी बोथ कैन बी बोथ अन् टू आंड इन टू ता मैंने कौन दुटा हो पार पसबिलिटी दुटा अच्छी अन् टू भी हो पार इन टू भी हो पार जी एन वन ग्रेटर देन इन टू थी सेमती जदि एन वन इज्कवाल टू इन टू थी मैंने कौन ए रेत एलिमेंट बी रेतरे एलिमेंट धर आम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तू कह यहाँ अन् टू हम कि इन टू हम मे बी से मैंने गोटे गोटे एमती सब जगह एलिमेंट यूज करते ना सब जगह एलिमेंट यूज न करेंगे तो से मे भी गोटे एलिमेंट यूज कर पाए थे आउ सब बढ़ जाए तो कौन हम कैन बी बोथ अन् टू आंड इन टू हाँ ना तो यहाँ कौन है कैन बी बोथ अन् टू और दुटा हो पार सेमती थर्ड कंडीशन कौन थी आमर एन वन लेस देन इन टू हम ये थी ली ता मैंने कौन धर एटी धर धर एटी थी वन टू थ्री इटे थी वन टू थ्री फोर फाइव है मैं किसी रैंडम नंबर दूस है ये कम थी अधिक थे दरकार सो यहाँ कौन हम देख फंक्शन में कौन सब थे गोटे गोटे तीर बाहर सैटिस्फाइड आईदर एमती हो पार ना कौन हो पार वन टू थ्री फोर सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव है ना सब थे गोटे तू देखे जहाँ भी कर है तू ये जहाँ भी कर किसी एलिमेंट बढ़िया कथा बढ़ जहाँ भी कर कहीं जेहेतु कम अच्छी तु सब जगह गोटे आड़ करदेव तो गोटे हाँ आउ सब बढ़ी जाए कि गोटे नक समस्त अलग अलग भी करू तो कौन हो दुटा बढ़ी जाऊँच कहीं यहाँ कम अच्छी अधिक बढ़ ही बढ़ जहाँ भी है कौन हम इन टू हम कनफर्म इन टू हम बुझिपाल तो यहाँ है इन टू बुझिपाल तो फाइनाली आम रिजल्ट कौन है धर एन वन ग्रेटर देन इन टू थी तेल बोथ अन् टू आंड इन टू एन वन इज इक्वाल टू इन टू थी कौन है बोथ अन् टू आंड इन टू एन वन लेस देन इन टू थे यहाँ है एटा बी एट डोमेन यहाँ को डोमेन है से हिसाब से इन टू देखे मन रखा दरकार ना तु देखे से कमी आनालाइज करा बुझु तो परीक्षा तु देखू एमती करके तो अन् टू इन टू ये अन् टू इन टू कथा खत्म होगा।